अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल पे लर्न विद फन बाय जरार सर। तो आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर FX991ES+। तो दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा FX991ES+ से आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मैंने मैट्रिक्स सेलेक्ट करके रखा है, आपको प्रोसेस मालूम है आप मैट्रिक्स सेलेक्ट करने का। अब आप मैं मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए ले रहा हूं। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट 2x2 का सिखाऊंगा, फिर बाद में 3x3 का। तो पहले आप 2x2 सेलेक्ट कीजिए, पहले आप मैट्रिक्स ही फीड कीजिए 1, 4, फिर नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 10। एक बार आपने डेटा फीड कर दिया है, आप ऑफ पे क्लिक कीजिए। आप वापस से शिफ्ट मैट्रिक्स, याद रखिए डेटा फीड करने के बाद शिफ्ट मैट्रिक्स। अब मैं 7, देखिए डिटरमिनेंट आ गया, वापस से शिफ्ट मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो 3 पे क्लिक कीजिए एंड सी, आपका वही वैल्यू आया जो हमने कैलकुलेट करके रखा था। सिमिलरली मैं 3 का भी निकाल सकता हूँ। आप मोड में जाइए, मैट्रिक्स में जाइए। अब मैं मैट्रिक्स बी लेना चाहूँ तो मैं मैट्रिक्स बी लेता हूँ, इसमें 3x3 का लेने का 2, 1, 1, नेक्स्ट इज 5, 2, 1, 6, 1, 4। एक बार मैंने ले लिया, आपको मालूम है आपको और AC पे क्लिक करना है। अब आप शिफ्ट मैट्रिक्स 7th नंबर दबाइए, डिटरमिनेंट आ जाता है, एंड देन गो बैक शिफ्ट मैट्रिक्स। अब आपको मैट्रिक्स बी सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने डेटा फीड बी में किया था, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकाल लेगा एंड देखिए -7 आया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली FX991ES+ को एज एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो टू फाइंड डिटरमिनेंट। बहुत ईजी वे है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस इल्म से वाबस्ता हो जाए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।